वेलकम स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि एक बैग में 12 बॉल्स हैं और उसमें से एक बॉल वाइट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक बॉल उस बैग में से रैंडमली निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी वाइट बॉल निकलने की। सो टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स कितना हो गया, 12, बिकॉज देर आर 12 बॉल्स इन द बैग। और फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, एक वाइट बॉल है एक फेवरेबल आउटकम हुआ। सो प्रोबेबिलिटी P1 गेटिंग वाइट बॉल कितना हो जाएगा, x अपॉन 12। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर 6 और बॉल ऐड किया जाए बैग में तो प्रोबेबिलिटी जो व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की है वो डबल हो जा रही है पहले केस से। तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा, पहले 12 था उसमें 6 ऐड हुआ, मींस देयर आर 18 एलिमेंट्री इवेंट्स। और फेवरेबल आउटकम भी बढ़ जाएगा क्योंकि व्हाइट बॉल x था उसमें 6 और ऐड हुआ है, तो ये x प्लस 6 हो जाएगा। सो probability of getting white ball in this case is x plus 6 upon 18। अब ये दिया हुआ है कि second case में जो probability white ball draw करने की है वो first case से double है, means दिया हुआ है कि p2 is twice p1। so value put करते हैं, p2 कितना है, x plus 6 upon 18 twice p1, p1 की value क्या है, x upon 12। So, x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ये हो जाएगा 2 6, देन 6 3 18। सो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 6। सो 2x विल बी 6 और x की वैल्यू होगी 3। दैट्स ऑल, थैंक्स।